चांदनी FM 95.5 MHz जनक नंदनी FM 95.5 MHz जनक नंदनी FM 95.5 MHz नवजोश आ नवविश्वास मिथिलाक आवाज सांस्कृतिक आवाज ई जनक नंदिनी FM 95.5 नमस्कार जनक नंदनी FM 95.5 MHz या सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनुक जनक नंदनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक शुरू करिए अंधेरक मुख्य मुख्य समाचारक शीर्षक से। बृहस्पति दिन देश भर 1497 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 17 गोटे के मृत्यु। प्रहरी उपरीक्षक सहित 8 गोटे के कार्यवाही करबाक लेल सिफारिश कयल गेल। संपत्ति विवरण नहीं बुझा वाला कर्मचारी ऊपर अख्तियार चलात मुद्दा। सरकार किट उपलब्ध नहीं करौला के कारण से बीपी प्रतिष्ठान में PCR परीक्षण बंद। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन बारे प्रधानमंत्री ओली आ अध्यक्ष प्रचंड बीच भेल 3 घंटा विमर्श। हफ्ता में 2 दिन सार्वजनिक विदा देबाक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लॉ जाओल जा रहल। कृषि मंत्रालय में सचिव काफले के हाजिरी कर अवरोध, छोट समय में सचिव बदल के परिपाटी गलत रहल मंत्री शाह के कहब। प्रदेश नंबर 2 में बृहस्पति दिन 43 गोटे नया संक्रमित थपायल। डॉक्टर कृषि के पक्ष में वीरगंज के चिकित्सक सब हाथ में कारी पट्टी बांध का काज कर रहल। आ उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरियाली नागरिक के गोली दाग हत्या। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 1497 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 11449 गोटे के PCR परीक्षण केलाक बाद 1497 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल से जनौलक। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण मुक्त भ 457 गोटे डिस्चार्ज भेल। बृहस्पति दिन धरि 50411 गोटे कोरोना मुक्त भ चुकल। तहिना थप 17 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होय वाला के संख्या 453 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में कोरोना संक्रमण से 6 गोटे के मृत्यु भेल। काठमांडू में 3 पुरुष सहित 4 गोटे, भक्तपुर में 1 महिला आ 1 पुरुष के 6 गोटे के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। तहिना उपत्यका में 755 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में कैल गेल परीक्षण में 755 गोटे में संक्रमण भेटल। काठमांडू के 609, भक्तपुर के 51 आ ललितपुर के 95 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल से मंत्रालय जनौलक। हत्या के आरोप में पकड़ायल एक दलित युवक के पुलिसक हिरासत में यातना के बाद मृत्यु वरण कर बाध्य बनाने आरोप में रौथट प्रहरी के तत्कालीन प्रहरी परीक्षक सहित 8 गोटे के कार्यवाही कर सिफारिश कयल गेल। गृह मंत्रालय गठन केने घटना अध्ययन तथा छानबीन समिति कार्यवाही के सिफारिश कलक। मृतक युवक के परिवार सहित गठित दलित श्रमिक संघर्ष समिति प्रहरी परीक्षक के कार्यवाही नहीं होब धर आंदोलन उग्र बनेबाक रणनीति अख्तियार कलाक बाद गृह मंत्रालय उप सचिव डोलेन्द्र नेरोला के संयोजकत्व में छानबीन समिति गठन केने छल। ओ छानबीन समिति घटना के स्थलगत अध्ययन कर गृह मंत्रालय में प्रतिवेदन पेश कर चुकल। समिति के एक अधिकारी के अनुसार तत्कालीन प्रहरी अधिकारी सब के चरम लापरवाही आ देखभाल नहीं केला के कारण से हिरासत में रहल अभियुक्त के मृत्यु भेल निष्कर्ष निकाललक। हत्या अभियोग में पकड़ायल अभियुक्त के हिरासत में चरम यातना देल गेल से ठहर करत समिति तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सहित के प्रहरी अधिकारी ऊपर कार्यवाही के सिफारिश कलक। रौतहट के तत्कालीन प्रहरी परीक्षक रविराज खड़का, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा में कार्यरत प्रहरी नायब परीक्षक ज्ञान कुमार महतो, प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, प्रहरी नायब निरीक्षक वीरेंद्र यादव, प्रहरी हवलदार सब मुन्नू कुमार सिंह आ हिरोज धुनिया तथा
प्रहरी जवान द्वय अजय यादव आ रूपेश कुशवाहा के कार्यवाही के सिफारिश कल गए। ऐसा पहले छानबीन के क्रम में प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी निरीक्षक सिंह, प्रहरी नायब निरीक्षक यादव, प्रहरी हवलदार द्वय सिंह आ दुनिया के निलंबन केने चलते प्रहरी उपरीक्षक खड़का आ प्रहरी नायब उपरीक्षक महतो के 64 से 2 ठाव में बदली कल गए। समिति प्रतिवेदन गृह मंत्रालय में बुझाब चुकल। गृह प्रतिवेदन कार्यान्वयन के लिए प्रहरी प्रधान कार्यालय में पठाब के तैयारी केने से स्रोत जनौल। गरुड़ा नगर पालिका स्थित जिंगड़िया के युवक निरंजन राम के हत्या आरोप में पुलिस ओतय के विजय राम सहित 6 गोटे युवक के पकड़ने चल। निरंजन आ विजय एक परिवार के व्यक्ति परिवारजन निरंजन के हत्या विजय नहीं केने कह रहा चल, मुदा पुलिस विजय सहित 6 गोटे के पकड़ कर इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के हिरासत में रखलक। पुलिसक हिरासत में विजय के यातना दिल गल बादो बीमार पड़ला, अशक्त भेला आ चल फिर उठ बैस सेहो नहीं कह सकला। मरणासन होबे जका पीटपाट केलाक बाद युवक विजय के अवस्था बिगड़त गेल देखलाक बाद पुलिस विजय के वीरगंज के नेशनल मेडिकल कॉलेज में इलाजक लेल लो गेल। ओता ओ पुलिस चरम यातना देने बतौलन। उनक वीडियो रिकॉर्ड सेहो सार्वजनिक भेल छल। शरीर भर दाग दाग छल, ओता इलाज के क्रम में उनक निधन भेल। निरंजन राम के हत्या गामे के दोसर व्यक्ति के ने कहित दलित समुदाय विजय राम के जबरदस्ती फसाओल गेल कहत आयल छल। दोषी के छोड़कर निर्दोष के पकड़ ने कहकर दलित समुदाय आंदोलित भ रहल क्रम में विजय के चरम यातना से मृत्यु भेलाक बाद दलित समुदाय थप आंदोलित भेल छल। संघर्ष समिति सेहो गठन केलक। ओ सब पुलिस राजनीतिक दबाव आ प्रभाव में पड़ कर दलित समुदाय के हत्या के आरोप में पकड़ने आ चरम यातना दकर जबरदस्ती साबिती बयान के प्रयास केने आ साबिती बयान नहीं दिलाक बाद मरणासन होबे जका पीटपाट केने से समिति के आरोप है। पुलिसक चरम यातना के कारण पुलिसक हिरासत में विजय के मृत्यु भेलाक बाद परिवारजन रौथट प्रहरी विरुद्ध प्रहरी कार्यालय में जाहिरी दरखास्त देने चल, मुदा पुलिस जाहिरी लेबर नहीं मानलक। तकरा बाद जिला न्यायाधिवक्ता के कार्यालय में जाहिरी देल गेल। शुरू में लेबर नहीं मानलाक बाद बेसी दबाव दिलाक बाद सरकारी वकील जाहिरी दर्ता केने चल। सरकारी वकील जाहिरी दर्ता का अनुसंधान कर जिला प्रहरी कार्यालय के पत्राचार केने चल। सरकारी वकील के कार्यालय अनुसंधान के लिए पत्राचार केलाक बाद 6 गोटे प्रहरी विरुद्ध अनुसंधान शुरू कल गेल। रौथट के प्रहरी परीक्षक सिद्धि विक्रम साह बतौलन पत्र के साथ जाहिरी प्राप्त भेलाक बाद अनुसंधान शुरू केने छी। किछ पुलिस निलंबन में पड़ल छै तो कहलन दोषी देखवला कोनो रहत त कार्रवाई होयत। गृह मंत्रालय द्वारा गठित छानबीन समिति प्रतिवेदन पेश केने रहितो स्थानीय प्रहरी द्वारा घटना के सूक्ष्म विश्लेषण आ प्रहरी अधिकारी के लापरवाही के विषय में अध्ययन भ रहल बताओल गेल छै। प्रहरी अधिकारी ऊपर कार्यवाही के सुनिश्चितता नहीं होब धरि मृतक विजय राम के लाश नहीं बुझा के अड़ान में परिवार जन बिकला 21 दिन से विजय के लाश महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल के लाश गृह में रखा ले। परिवार जन के माग बमोजी लाश शिक्षण अस्पताल में पोस्टमार्टम चल। उनकी मृत्यु गंभीर चोट आयात पारिवारिक सदस्य तथा संघर्ष समिति के पनीलाल महरा बतौलन। प्रहरी अधिकारी के बचाव के चलखे एखनो भ रहल कहे तो दलित समुदाय ऊपर अन्याय भ रहल बतौलन। दोषी के उन्मुक्ति द क निर्दोष के फसाब पुलिस गंभीर षड्यंत्र रचने आरोप लगबे तो हत्या के आरोपी राजनीतिक आवरण में खुलेआम घूम रहल से आरोप लगौलन। प्रदेश सरकार सेहो इस विषय में उच्च स्तरीय समिति बनाकर छानबीन कर रहल छ। प्रदेश दू के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के संयोजक यादव बतौने छ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के टोली सेहो ई घटना के अध्ययन तथा अनुसंधान कर रहल छ। आयोग के जनकपुरधाम स्थित प्रादेशिक कार्यालय के टोली छानबीन कर रहल आयोग जनौलक। छानबीन के बाद प्रतिवेदन सार्वजनिक कल जात से बताओल गेल छ। सांसद सब कोरोना वायरस के विषय में तथ्यगत भ्रम सब फैलला से जनक सृजना भेल बतौलने। राष्ट्रीय सभा के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति में बृहस्पति दिन भेल विमर्श में सांसद सब कोरोना के विषय में तथ्यगत जानकारी संप्रेषण नहीं भ सकला से जनता में आतंक फैलल बतौलन। सांसद रामचंद्र राय कोरोना महामारी एच के सरुआ रोग मात्र एच से बात प्रश्न कर पड़त बतौलन। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी सहभागी बैसार में ओ सरुआ रोग मात्र एच तक क्यों क्यों हल्ला किया कर पड़ल कहित प्रश्न कलन। महामारी एच तक सामान्य अवस्था के मृत्यु दर आ अखुनका मृत्यु दर के विश्लेषण हेबाक चाही ओ बतौलन। सांसद कोमल वली लक्षण देखल गेल मात्र पीसीआर परीक्षण ठीक नहीं रहल बतौलन। संक्रमित भक इलाज कराब रहल व्यक्ति अन्य व्यक्ति में संक्रमण फैलाब के दर बेसी रहला से लक्षण देखला पर मात्र परीक्षण करे के नीति ठीक नहीं रहल कहलन।
परीक्षण में भेल खर्च से बेसी जनता के स्वास्थ्य पैघ बात रहल बतौलन। तहिना सांसद गोपी बहादुर सार्की कोविड के विषय में बेसी चर्चा आ आतंक फैलाओल गेल बतौलन। आतंक सृजना होबय जका भेल प्रचार से आम आदमी में मनोवैज्ञानिक असर पड़ल हुनक कहब छन्। सांसद शेखर कुमार सिंह स्थानीय तह में अस्पताल के संख्या मात्र नहीं बहुत जनशक्ति से हो बढ़ावा दिस ध्यान देव पड़त से धारणा रखने छले। तहिना सांसद अनिता देवकोटा आब के अवस्था कोना सामान्य बनाओल जा सकत अछि ताहि दिस ध्यान देव पड़त बतौली। कोरोना संक्रमण के जोखिम नेपाल में सेहो हैत से जानकारी रही तो रोकथाम के लिए सरकार आ सांसद आवश्यक योजना नहीं बना सकल हुनक कहब छलन। सांसद खीमलाल भट्टराय आतंक फैला से आब लॉकडाउन नहीं कर जका प्रोटोकॉल बनाब पर जोर देने छला। विमर्श में सहभागी मंत्रालय के सहसचिव डॉक्टर गुणराज लोहनी एखन वेंटिलेटर से बेसी ऑक्सीजन के इलाज विधि लाभदायी रहल बतौलन। आयुर्वेदिक दवाई के परीक्षण आ प्रयोग नेपाल में सेहो भ रहल संदर्भ में 7-8 दिन में रिपोर्ट निगेटिव आबि रहल इलाज में संलग्न व्यक्ति सब रिपोर्ट दैत आयल बतौलन। पालिका सब में स्थापना हो वाला अस्पताल सब में छात्रवृत्ति में अध्ययनरत विद्यार्थी मध्य प्रत्येक पालिका में एक गोटे चिकित्सक के व्यवस्था कर जका योजना आगा बढ़ल से हुनकर कहब छलन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम के नाम में व्यापक अनियमितता भ्रष्टाचार आ कृत्य कर के काज भेल अछि। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में उपभोक्ता समूह के सदस्य आ पदाधिकारी सब कृत्य दस्तखत करबाक नकली वन उपभोक्ता घर 100 से बेसी वन उपभोक्ता समूह में गाछ कटान केने देखल गेल अछि। एना कृत्य कागजात तैयार करय वाला काज सब में संलग्न रहकर अख्तियार के दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में संलग्न रहल कहित सार्वजनिक लेखा समिति के उपसमिति द्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमिति कैलाली नवलपुर सिंधुली लगातक जिला में वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू केने सामुदायिक वन आ साझेदारी वन उपभोक्ता समूह के अधिकारी संलग्न देखल गेला से सब दोषी ऊपर छानबीन का कानूनी कार्यवाही कर सिफारिश कलक। उपसमिति वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के नाम में वन विनाश करबाक काज में संलग्न रहल कहित सुदूर पश्चिम प्रदेश के वन निर्देशक हेमराज बिष्ट डिवीजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलाली के वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट वन कार्यालय कैलाली के डिवीजन वन अधिकृत रामचंद्र कौड़ेल डिवीजन व कार्यालय कंचनपुर के डिवीजन वन अधिकृत अजय विक्रम मानंदर कपिल वस्तु डिवीजन वन कार्यालय के अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पौडेल डिवीजन वन कार्यालय मरीन सिंधुली के अधिकृत पुष्पराज बरतौला के अख्तियार दुरुपयोग केने कहित कार्यवाही कर सिफारिश कयल गेल अछि। सार्वजनिक पद में बहाल रहल व्यक्ति संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं कर के क्रम बढ़लाक बाद अख्तियार बहाल में रहल व्यक्ति शुरू में 2 महीना भीतर आ तकरा बाद आर्थिक वर्ष समाप्त भेल 2 महीना भीतर अनिवार्य संपत्ति विवरण नहीं बुझौला पर अकूत संपत्ति अर्जन में मुद्दा चलेबाक चेतावनी दिलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग N 2048 के दफा 31 के क के उपदफा 1 बमोजिम सार्वजनिक पद धारण केने व्यक्ति सेवा शुरू केने 60 दिन भीतर आ तकरा बाद हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भेल मिति से 60 दिन भीतर अपन व अपन परिवार के नाम में रहल संपत्ति के स्रोत व निस्सा सहित के अद्यावधिक विवरण नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशन क तोकने निकाय व अधिकारी समक्ष पेश कर पड़त। एहि एन से कहने बमोजिम सार्वजनिक पद में रहल व्यक्ति संपत्ति विवरण नहीं बुझौला से अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संपत्ति विवरण नहीं बुझाक अकूत संपत्ति अर्जन में मुद्दा चलेबाक चेतावनी दिलक अछि। राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र पठौने संपत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन ऊपर आयोग के 22 दिनक बैसार से नया निर्णय लेल गेल अछि। अख्तियारक अनुसार संपत्ति विवरण नहीं बुझावला में बहुतो रास शिक्षक आ स्थानीय तह के पदाधिकारी सब रहल से बताओल गेल अछि। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बंद भेल सरकार पीसीआर परीक्षण में आवश्यक किट उपलब्ध नहीं करौला के कारण प्रतिष्ठान में पीसीआर परीक्षण 3 दिन से बंद अछि। पीसीआर परीक्षण नहीं भेला से इलाज के क्रम में रहल रोगी के शल्यक्रिया सेहो रुकल अछि। प्रतिष्ठान के आकस्मिक कक्ष शल्यक्रिया हार्ट जोड़नी प्रसूति वार्ड बच्चा वार्ड लगातक वार्ड में भर्ना भेल रोगी के शल्यक्रिया रुकल अछि। एम्हर रोगी के शल्यक्रिया रुकलाक बाद रोगी के जान जोखिम में पड़ल कहित पीड़ित परिवार तत्काल पीसीआर परीक्षण कर आ शल्यक्रिया सेवा सुचारू कर सरकार से मांग कलक अछि। प्रतिष्ठान के हार्ट जोड़ने विभाग के प्रमुख डॉक्टर पशुपति चौधरी प्रतिष्ठान में भर्ना भेल सयो रोगी के पीसीआर परीक्षण नहीं भेला कारण से शल्यक्रिया नहीं भ सकल बतौलन। ओ शल्यक्रिया कर प्रतिष्ठान में भर्ना भेल रोगी के अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट के अनिवार्य केने बतौलन। डॉक्टर चौधरी
भेला कारण प्रतिष्ठान के हार्ट जोड़नी विभाग आकस्मिक कक्ष में भर्ना भेल दर्जनों रोगी के शल्यक्रिया रुकल से जानकारी दिलन। पीसीआर परीक्षण नहीं भेला कारण प्रतिष्ठान के प्रसूति वार्ड में भर्ना भेल संखुआ सभा पोखरी गांव पालिका के 26 वर्षक प्रभा लिंबू से शल्यक्रिया रुकल। प्रतिष्ठान के यूनिट एक के इंचार्ज डॉक्टर रोहित रिजाल बतौलन और प्रतिष्ठान में पथरी के शल्यक्रिया कर बताओल गेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड बीच 3 घंटा विमर्श भेले छ। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में भेल विमर्श में ओली आ प्रचंड बीच मंत्रिपरिषद पुनर्गठन में केन्द्रित रहकर विमर्श भेल बालवाटार स्रोत जनौलक। स्रोतक अनुसार प्रधानमंत्री ओली आ नेकपा अध्यक्ष प्रचंड बीच मंत्रिमंडल पुनर्गठन में केन्द्रित रहकर पहल बेर एतक लंबा बातचीत भेल। आश्विन 6 गते बैसल सचिवालय बैसार से संवैधानिक अंग में नियुक्ति होब योग्य व्यक्ति सबके सूची के लिए रोस्टर बनेबाक 10 दिन भीतर एकीकरण के बाकी काज सम्पन्न कर जका गृह कार्य कर जका ओली आ प्रचंड के जिम्मेवारी भेटल छल। वैसे पहले 4 आश्विन में बैसल सचिवालय बैसार में मंत्रिपरिषद पुनर्गठन के विषय में मूलतः 3 विकल्प में केन्द्रित रहकर विमर्श भेल छल। प्रधानमंत्री बाहेक सब मंत्री सबके राजीनामा दिया कर आवश्यक योग्य व्यक्ति के पुनः समेट के 2 वर्ष पूरा केने सब मंत्री सब के विदाय देव के आ कार्य संपादन मूल्यांकन के आधार में पुनर्गठन करबाक विकल्प में विमर्श केन्द्रित भेल रहित बैसार से वही बारे आवश्यकता अनुसार नेता सब संग थप विमर्श करे के जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ओली के देल गेल छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन कर हप्ता में 2 दिन विदा देवाक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पेश करत। पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई के अध्यक्षता में मंत्रालय में बृहस्पति दिन बैसल उच्च स्तरीय समूह के बैसार से हप्ता में 2 दिन विदा देवाक संबंध में अध्ययन तथा कार्यदल बनाब के आ कार्यदल प्रस्ताव तैयार कलाक बाद मंत्रिपरिषद में पेश कर निर्णय भेल। पर्यटन मंत्रालय के सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखा के प्रमुख प्रदीप कुमार कोइराला के संयोजकत्व में पर्यटन विभाग के प्रमुख रुद्र सिंह तामांग आ नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनंजय रेग्मी सदस्य रहल एक समिति निर्माण कयल गेल। समिति में अर्थ मंत्रालय गृह मंत्रालय आ सामान्य प्रशासन मंत्रालय के प्रतिनिधि के सेहो शामिल कर अध्ययन प्रस्ताव तैयार कयल जायत। नेपाल पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्र समिति के सहयोग में अखन आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन के योजना बनाब रहा है जाहि में हप्ता में 2 दिन सार्वजनिक विदा के प्रस्ताव कयल गेल। प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह किस दिन पहले केंद्र सरकार प्रदेश 2 में बेर बेर सचिव के बदली कर रहल कहित सामाजिक संजाल में आक्रोश व्यक्त केने छला। मंत्री शाह प्रदेश 2 में कर्मचारी अभाव के लक आक्रोश व्यक्त कर रहल बेर में हुनके मंत्रालय में बदली भकायल एक सचिव के हाजिरी होबर नहीं देल गेल। श्रोतक अनुसार मंत्री अनुकूल के सचिव नहीं पठौला से हाजिरी नहीं होब देल गेल। बेर बेर प्रदेश 2 सरकार आ संघ सरकार बीच के टकराव बढ़ रहल समय में सचिव के हाजिरी नहीं होब देना से ये टकराव और बढ़त से आकलन कल जा रहा है। प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय में बदली भ सचिव समझना काफले बुध दिन सचिव काफले हाजिरी होबाक लेल पहुंचला पर कर्मचारी सब सामान्य भेंटघाट के कार्यक्रम सेहो रखने भेंटघाट के समय में मंत्री शाह के स्वकीय सचिव लगातक व्यक्ति सब हो हल्ला करत हाजिरी रजिस्टर सेहो छीनने एक कर्मचारी बतौलन। उनके अनुसार मंत्री के सचिवालय के सदस्य सब सचिव के कार्यालय में ताला लगा कर मंत्रालय के वातावरण बिगाड़ने छल। मंत्री के आदेश में हुनका हाजिरी होबर नहीं देल गेल कर्मचारी बतौलन। कर्मचारी निर्देशन नहीं मान बाहर के आदमी बजाकर सचिव के हाजिरी होबस से रोकने कर्मचारी से भकार रोपय। मंत्रालय के निमित्त सचिव विजय महतो के अगुवाई में सामान्य भेंटघाट कार्यक्रम भरेलाक बाद सचिव काफले के ओहिठाम से निकल बाध्य बनाल गेल छल। एम्हर सचिव काफले स्वयं हाजिरी होब गेल समय में मंत्रालय में हाजिरी होब के वातावरण नहीं रहला से घूर पड़ल बतौली। एहि विषय में अपने प्रमुख सचिव अर्जुन पोखरियल संगे विमर्श के जानकारी करब तो कहली या अवस्था रहत तो हम एत नहीं रहब नहीं देव धर आबे त नहीं आब से ओ दुखरा सुनौली। एम्हर ए विषय में मंत्री शाह के प्रश्न पूछला पर मंत्रालय में सचिव हाजिरी होब गेला पर भेल विवाद के विषय में जानकारी रही तो विमर्श पश्चात मात्र किस जानकारी कराब से प्रतिक्रिया दिलन। ओ संघ सरकार के छोट समय में सचिव बदल के परिपाटी गलत रहल बतौलन। ओ संघीय सरकार 2-3 महीना नहीं बीते सचिव बदली करे ताल विरोध में
प्रतिक्रिया देलन। वो अपने मंत्रालय में नहीं रहल समय में सचिव काफले के सचिवालय के कर्मचारी सब हाजिर होबा नहीं देने बात स्वीकार करे तो अपना सब के तीन तीन महीना के सचिव आवश्यक नहीं रहल कहे तो आक्रोश से हो व्यक्त कलन। अपन कार्यकाल में अखन धरि 6 गोटे सचिव सब के बदली भ चुकल बतौबित मंत्री शाह कहलन एहने अवस्था रहल त मंत्रालय के कामकाज द्रुत गति में आगा बढ़ाव मुश्किल है। एकटा सचिव नीति तथा कार्यक्रम आ योजना बनबे छथि, ओ कार्यान्वयन नहीं होते फिर दोसर सचिव आबि जाय छथि तो हम सब कोना काज करब से हुनक प्रश्न छलन। संघीय सरकार एहन समस्या सबके मद्देनजर करत दीर्घकालीन समाधान खोज के आवश्यकता है कहलन। कार्य संपादन करे के काज कर्मचारी के रहला से तीन तीन महीना में कर्मचारी बदली भेल त प्रदेश में अस्थिरता कायम भ सकत है। हाजरी होबर नहीं देने घटना के किछ वित्त मंत्री शाह स्वयं ककरो आदेश पालक नहीं भ जनादेश के पालना करे वाला रहल आ ई अवस्था रहत त स्वयं पद छोड़े से तैयार रहल आशय सहित के पोस्ट सामाजिक संजाल में सेहो केने छलैत। प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु हो 40 गोटे नया संक्रमित थपायल अहि संगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो वाला के संख्या 124 पहुंचल त संक्रमित के संख्या 13,151 पहुंचल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी दिलन। बृहस्पति दिन मृत्यु हो वाला में 70 के राजविराज नगर पालिका के 66 वर्ष के एक पुरुष रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक। कोरोना संक्रमण से प्रदेश 2 में अखन धरि 20 महिला आ 104 पुरुष का 124 गोटे के मृत्यु भ चुकल। अखन धरि परसा में 42, बारा में 18, धनुषा में 15, महोतरी में 13, सिरहा में 12, सप्तरी में 12, रौथर में 6, सरलाही में 5 आ 1 गोटे भारतीय के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल। अब प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 13 महिला आ 30 पुरुष सहित 43 गोटे में कोरोना पुष्टि। बृहस्पति दिन प्रदेश में परसा में 14, सप्तरी में 10, धनुषा में 5, सिरहा में 5, बारा में 5, महोतरी में 2 आ सरलाही में 2 गोटे संक्रमित भेल। प्रदेश में बृहस्पति दिन धरि 11,076 पुरुष आ 2,075 महिला के जम्मा 13,151 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भ चुकल। वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक झा जानकारी देलन। प्रादेशिक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराज आ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल बीरगंज में कैल गेल परीक्षण में बृहस्पति दिन 43 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल से ओ बतौलन। प्रदेश भर में बृहस्पति दिन धरि 70 में 17,389, सिरहा में 10,067, धनुषा में 13,503, महोतरी में 6,916, सरलाही में 13,177, रौथर में 22,448, बारा में 11,190 आ परसा में 24,367 का जम्मा 1,19,057 गोटे के स्वाब परीक्षण कैल गेल मध्य 13,151 गोटे संक्रमित मिले त 1,03,272 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल। तहिना सप्तरी में 623, सिरहा में 45, धनुषा में 5, सरलाही में 266, रौथर में 211, बारा में 385 आ परसा में 55 का कुल 2,600 के रिपोर्ट एखनो आब के बाकी है। प्रदेश में बृहस्पति दिन 70 में 46, सिरहा में 7, धनुषा में 80, रौथर में 88, बारा में 49 आ परसा में 454 का 724 गोटे के स्वाब संकलन कैल गेल। प्रदेश 2 के 8 जिला के विभिन्न ठाम सब में बनाओल गेल 9,420 बेड क्षमता के 169 क्वारंटाइन में अखन 279 गोटे के राखल गेल त 1,528 गोटे के होम क्वारंटाइन में पठाओल गेल। प्रदेश के 8 जिला के विभिन्न ठाम सब में संचालन में रहल 3,012 बेड क्षमता के आइसोलेशन में 70 में 128, सिरहा में 778, धनुषा में 8, महोतरी में 2, सरलाही में 63, रौथर में 43, बारा में 13 आ परसा में 64 का 1,099 गोटे के भर्ना कैल गेल। तहिना प्रदेश में 70 में 231, धनुषा में 840, महोतरी में 892, सरलाही में 790, रौथर में 896, बारा में 372 आ परसा में 698 का 4,719 गोटे होम आइसोलेशन में रहल बतौलन। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा जिला में 2,493 गोटे संक्रमित है, धनुषा में 1,888, रौथर में 1,850, महोतरी में 1,419, बारा में 1,247, सप्तरी में 1,166 गोटे में कोरोना पुष्टि भ चुकल। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या बृहस्पति दिन धरि 5,818। पिछला 24 घंटा में प्रदेश के 27 गोटे अस्पताल से डिस्चार्ज भेल छथि। डिस्चार्ज होवला सब में 70 के 24, महोतरी के 1,
बारह के एक अपरसा के एक गोटे क्षेत्र ऐसे संगे एखन धरि प्रदेश में सप्तरी के 835 सिरहा के 454 धनुषा के 1006 महोतरी के 512 सरलाही के 768 रौथट के 905 बारह के 944 आ परसा के 1785 के 7209 गोटे संक्रमित सब डिस्चार्ज भक अपन अपन घर घुस चुकल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक। प्रदेश दू सरकार जनक जानकी सरोवर पोखर के सौंदर्यीकरण कर लागल जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 7 स्थित ऐतिहासिक महत्वक जानकी सरोवर के सौंदर्यीकरण आ संरक्षण के लिए प्रदेश दिन डीपीआर के लगे निकट भविष्य में एस्टिमेट क सौंदर्यीकरण के काज आगा बढ़ाओ जाय से वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह जानकारी दिलन। स्थानीय सरकार जनकपुर धाम के ऐतिहासिक महत्वक पोखर आ ताल तलैया सबके सौंदर्यीकरण में ध्यान नहीं देने समय में प्रदेश दू सरकार उठौने एक कदम के वार्डवासी सबसे प्रशंसा कलक। जानकी सरोवर के चारू दिश घाट निर्माण पैदल चल वाला रास्ता लाइट आ जानकी द्वार के एक गेट से बनाब के योजना में समावेश रहा से वार्ड अध्यक्ष शाह बतौलन। एक काज के लिए वार्ड अध्यक्ष शाह प्रदेश दू सरकार के धन्यवाद से हो ज्ञापन कलने। कोरोना संक्रमण से सप्तरी में एक गोटे सरकारी कर्मचारी के मृत्यु भेल। जिला प्रशासन कार्यालय में कार्यरत 55 वर्षक कार्यालय सहयोगी पुरुष के कोरोना संक्रमण से बृहस्पति दिन भिनसर 5 बजे मृत्यु भेल। बीतला 31 भादो में कोरोना पॉजिटिव देखलाक बादो होम आइसोलेशन में रहित आयल छला। शुरुआती समय में बुखार आयल रही तो पिछला 4 दिन से हुनक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत आनंद ठाकुर बतौलन स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल अवस्था में हुनक मृत्यु भेल से ठाकुर बतौलन। एहि संगे सप्तरी में कोरोना संक्रमण पुष्टि 12 पहुंचल। कोरोना महामारी के विकट समय में अन्य रोग के रोगी सब स्वास्थ्य सेवा से वंचित रहल अवस्था के दृष्टिगत करत बीतला 3 हफ्ता से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन कर रहल महेंद्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान COVID-19 क्विक रेस्पॉन्स टीम के दवाई सहयोग कैल गेल। महेंद्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान COVID-19 क्विक रेस्पॉन्स टीम द्वारा आयोजित साप्ताहिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के लिए डोनियार युवा मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार शाह दवाई सब सहयोग के लेने छ। अध्यक्ष शाह एहन विकट समय में टीम सराहनीय काज कर रहल कहत सामान्य रोगी सब के स्वास्थ्य अवस्था के ख्याल करत सहयोग बापत दवाई उपलब्ध कराओल गेल से जानकारी दिलन। डोनियार सेवा समिति के अध्यक्ष अरुण गुप्ता युवा मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार शाह उपाध्यक्ष विनय शाह महासचिव रितेश गुप्ता कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा महेंद्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान COVID-19 क्विक रिस्पॉन्स टीम के मनोज शाह शंभु शाह राकेश विक्रम शाह गोविंद चंदन राय डॉक्टर विजय शाह डॉक्टर राजू शाह सुमित मिश्र आशुतोष नवीन झा राम मिलन यादव रोशन यादव कृष्णा सिंह राजपूत भरत शाह बलराम गुप्ता बलराम शाह लगात के उपस्थिति में दवाई सब हस्तांतरण कैल गेल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के वरिष्ठ नेता एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के सांसद राजेंद्र महतो जनकपुर धाम उपमहानगर टैंकी प्रदान के लेने छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम से वो उपमहानगर पालिका के टैंकी प्रदान के लेन। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के 10 लाख का संयुक्त लगानी में टैंकी खरीद कल गेल महतो के स्वकीय सचिव जानकारी दिलन। सड़क में जमल बाउल सफा कर तथा लगी वो टैंकी खरीद कल गेलो कहलन। वह कार्यक्रम से महत्व जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के इससे पहले ब्रूमर से हो प्रदान केने छला। बारह में 12 लाख से बेसी नकली रुपया सहित 2 गोटे के पुलिस पकड़लक। बारह के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 9 बसबरिया नहर लग में चोरी के मोबाइल सब खरीद बिक्री भरल सूचना के आधार में पहुंचल पुलिसक टोली 12,36,000 नकली रुपया बरामद कलक। बारागढ़ी गांव पालिका 5 सिंहासनी के 23 वर्षक बलिराम चौधरी आ भारत बिहार घर रहल 27 वर्षक संदीप कुमार के संग से पुलिस नकली रुपया बरामद केने जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौलक। हमरा सबके चोरी के मोबाइल बिक्री भ रहल खबर अलाक बाद ओत पहुँचल छो। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रहरी प्रवक्ता DSP गौतम मिश्र कहलन ओत पहुँचला पर पकड़ायल दोनों गोटे के साथ में नकली रुपया से हो भेटल छल। झोरा
प्लास्टिक में नुका कर रखने अवस्था में 1000 के 1216 टा नकली नोट भेटल है। वो नोट सब मोबाइल बिक्री का प्राप्त भेल आ मोबाइल खरीद करे वाला व्यक्ति सब नोट सब द के 30 स्थान मोबाइल ल के फरार भेल। पकड़ायल व्यक्ति सब बयान में उल्लेख केने अछि ओकरा सब के संग में रहल नकली नोट मोबाइल खरीद क के देने अछि वा के अछि ताहि विषय में अनुसंधान भ रहल। डीएसपी गौतम बतौलन मोबाइल ल के फरार रहल आदमी के खोजी जारी रहल से पुलिस जनौलक अछि। सरलाही सब प्रतिबंधित लागू औसत सहित एक गोटे पकड़ायल। इस पकड़ायल व्यक्ति मलंगमा नगरपालिका 3 के 19 वर्षक गणेश शाह रहल। पुलिस जनौलक अछि भारतीय सीमा प्रहरी चौकी गोरख काली के गश्ती टोली शाह के मलंगमा नगरपालिका 1 भेड़ियाही से 28 बोतल वाल्ड्रक्स के बोतल सहित नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जनौलक अछि। भारत से नेपाल देश बोरा में आनिक पैदल आबि बोरा में रहकर पैदल आबि रहल अवस्था में शंका लगला पर चेक जांच के बाद भीतर 28 बोतल वाल्ड्रक्स भेटल से पुलिस जनौलक अछि। महोदरी में हाथ हथियार तथा डकैती मुद्दा के फरार एक अभियुक्त के क्रिकेट खेल रहल बेर में पकड़ल गेल छ। अभियुक्त के विभिन्न किस्म के 3 घटना में संलग्नता रहल पुलिस जनौलक अछि। पकड़ायल व्यक्ति महोदरी के गौशाला नगर पालिका 6 के 30 वर्षक मुन्ना छोड़का आ बंठा उपनाम सत्येंद्र कुमार यादव अछि। विशेष सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय महोदरी से खटल पुलिसक टोली गौशाला नगर पालिका 5 स्थित मरहा नदी कात में क्रिकेट खेल रहल समय में ओकरा पकड़लक अछि। पकड़ायल यादव महोदरी आ सरलाही जिला के विभिन्न घटना में संलग्न रहकर फरार छल। यादव के जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी में राखल गेल आ ओकरा PCR टेस्ट करा जिला अदालत में पेश करे के तैयारी शुरू कयल गेल। महोत्तरी के प्रहरी परीक्षा कृष्ण प्रसाई जानकारी देलन। पकड़ायल यादव विरुद्ध मुख्य 3 अभियोग अछि। पुलिसक अनुसार बलबा नगर पालिका 3 परौल स्थान स्थित जय बाबा कारिक मनी ट्रांसफर में लूटपाट करे के योजना यादव बनौने छल। योजना अनुरूप गामे के राकेश यादव के लक 2076 साल 29 गते हुए दिश जा रहल बेर में और ही नगर पालिका 3 श्रीपुर स्थित जंगा नदी लंग से 4 राउंड गोली लोड कैल गेल। नलकटुआ पिस्तौल एक थान सहित राकेश यादव पकड़ायल छल त सत्येंद्र फरार भेल छल। पुलिस बाद में ओकरा विरुद्ध हाथ हथियार खर खजाना तथा डाका उद्योग मुद्दा चलौने छल। तेना महोतरिये के मंडा सिसवा नगर पालिका 2 भोली चौक स्थित राम सेवक यादव के घर में 2075 साल पूस 23 गते रात 1 बजे 15-16 गोटे के हथियारधारी डाकू सबके समूह गोली फायर कर बम विस्फोट कराकर नगद आ सोना के गहना सब लूटने छल। ओहि घटना में सेहो संलग्न सत्येंद्र विरुद्ध डाका तथा संगठित अपराध मुद्दा दायर कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। तेना सरलाही के ईश्वरपुर नगर पालिका स्थित जय माँ महारानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के अध्यक्ष धनेश्वर शाह नेपाली इन्वेस्टमेंट बैंक से नगद 9,90,000 निकाल कर 9555-9593 नंबर के मोटरसाइकिल में जा रहल अवस्था में 2075 अघन 20 गते ईश्वरपुर 13 से सत्येंद्र गंगाधर देखा कर लूटपाट केने SP प्रसाई बतौलन। ओहि घटना में पुलिस डाका तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता केने से बताओल गेल अछि। तुलसीपुर में पहल बेर कोरोना संक्रमण के कारण एक युवक के मृत्यु भेल अछि। तुलसीपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 गौरीगांव निवासी 39 वर्षक एक युवक के काठमांडू में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। बोन मैरो के समस्या देखल गेलाक बाद ओ युवक भादो 4 गते काठमांडू स्थित सिविल अस्पताल में इलाजक लेल भर्ना भेल छल। इलाज के क्रम में वह अस्पताल में हुनका कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल परिवारजन जनौलक अछि। भादो 31 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद हुनका ICU सहित के इलाज आवश्यक रहल कहत राजधानी हैम्स अस्पताल में ल जाओल गेल छल। इलाज के क्रम में हुनक बृहस्पति दिन भिनसर 2:30 बजे हैम्स हॉस्पिटल में मृत्यु भेल पारिवारिक स्रोत जनौलक अछि। संस्कार काठमांडू में कलक अछि। एहि सहित कोरोना संक्रमण के कारण दांग के 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। घोराही के ट्रैफिक चौक में एक गोटे सड़क में रह वाली महिला के मृत्यु पश्चात कोरोना पुष्टि भेल छल। भारत में मृत्यु भेल व्यक्ति के लाश दांग में आनि कऽ परीक्षण कयला पर कोरोना पुष्टि भेल छल। पुलिस बैंकिंग कसूर संबंधी मुद्दा के एक गोटे फरार प्रतिवादी के पकड़लक अछि। पकड़ायल व्यक्ति 56 वर्षीय जयंत केसी छथि। काभरे के बनेपा 6 में नुका चोरा कर रहल अवस्था में प्रहरी निरीक्षक योगेंद्र तिमिल सिन्हा नेतृत्व टोली ओकरा पकड़लक अछि। काभरे के प्रहरी प्रमुख SP रविराज पौडेल के अनुसार ओकरा उच्च अदालत पाटन बैंकिंग कसूर संबंधी मुद्दा में 9,47,92,116 रुपया आ 2,35,11,82,16 रुपया जुर्माना सजा
के फैसला सुनौने चल। अदालत 29 बैसाख 2071 में दूटा मुद्दा में उकरा दोषी ठहर कर 3-3 वर्ष कैद सजा से होके ने पौडेल बतौलन। अदालत के आदेश के बाद वो फरार चल। पकड़ेलाक बाद ओकरा आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला अदालत धूलीखेल पठाओल गया से अदालत के आदेश के जिला कारागार अदालत आदेश से ओकरा फिर जिला कारागार धूलीखेल में राखल गेलै छे। प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी ऊपर भेल अभद्र व्यवहार के वीरगंजक चिकित्सक सब विरोध जनौलक है। ओ सब डॉक्टर केसी ऊपर भेल अभद्र व्यवहार के विरोध जनबैत हाथ में कारी पट्टी बांध के काज कलक है। जनता के प्रत्यक्ष सरोकार के विषय में आवाज उठाए आम नागरिक के प्रजातांत्रिक अधिकार रहल देश में बल प्रयोग के अमर्यादित ढंग से अनशनरत डॉक्टर केसी ऊपर अभद्र व्यवहार करब खेदजनक रहल नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी अंचल शाखा जनौलक है। शाखा सचिव उदय नारायण सिंह विज्ञप्ति जारी कर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा शिक्षा सुधार के लिए डॉक्टर केसी संगे तत्काल वार्ता कर जायज मांग सब संबोधन कर के मांग केने 19 बुधे मांग आगा रखत डॉक्टर केसी जुमला के चंद्रनाथ नगर पालिका 6 रानी चौड़ी स्थित बाबिरा मस्त मंदिर में बितला भादो 29 गते से अनशन शुरू केने। स्वास्थ्य अवस्था बिगड़त गलाक बाद हुनका काठमांडू लौ जा कर इलाज शुरू कल गया छल। राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर भीतर लौ जाए के क्रम में हुनका पुलिस अभद्र व्यवहार केने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी सब के आरोप है। राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में जाए डॉक्टर केसी नहीं मानलाक बाद उनके इच्छा अनुसार त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कल गए। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। उत्तर कोरियाली सेना अपन एक अधिकारी के गोली दाग हत्या जरौने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय जनौलक है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय अपन अधिकारी ऊपर भेल बर्बर घटना के निंदा कलक है। 47 वर्षक व्यक्ति ऊपर उत्तर कोरिया गोली दगने दक्षिण कोरिया के कहब है। गश्ती नाव में रहल अपन अधिकारी उत्तर कोरिया के सीमा क्षेत्र से बेपत्ता भेल आ बाद में वो व्यक्ति उत्तर कोरिया के जल क्षेत्र में भेटल दक्षिण कोरिया जनौलक है। उत्तर कोरिया के सैनिक ओर व्यक्ति के गोली प्रहार केने आ तकरा बाद तेल छिटका आग लगौने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय दावी कलक है। विविध कूटनीतिक सूचना के विश्लेषण के आधार में निष्कर्ष में पहुंचल दक्षिण कोरिया बतौलक है। घटना बारे उत्तर कोरिया अखन धरि कोनो प्रतिक्रिया नहीं दिलक है। उत्तर कोरिया कोरोना वायरस के संक्रमण नहीं फैल देबाक लेल सीमा नाका में कड़ाई केने अछि तऽ अपरिचित देखलाक बाद गोली दाग के आदेश सेहो देने अछि। विश्वभर महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होवला के संख्या 9,83,000 पहुंचल है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार कोरोना से संक्रमित होवला के संख्या विश्वभर 3,21,00,000 है। कुल संक्रमित मध्य 2,36,00,000 ठीक भ चुकल है तो करीब 75,00,000 आदमी अखनो सक्रिय संक्रमित है। विश्वभर अखनो 62,000 आदमी के स्वास्थ्य अवस्था जटिल है। पेशा व्यवसाय खोलब व नहीं खोलब तय विषय में दोधार में रहल संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बेसी आदमी के मृत्यु संक्रमित के संख्या से 71,00,000 नाम चुकल है। कोरोना संक्रमण से अमेरिका में अखन धरि 2,06,000 के मृत्यु भेल है। विश्व के दोसर पैघ जनसंख्या रहल भारत में 57,00,000 संक्रमित भेल है तो 91,000 से बेसी के जान जा चुकल है। तहिना ब्राजील में 46,00,000 संक्रमित भेल है तो 1,39,000 से बेसी के मृत्यु भेल है। खूब विकास कर चुकल घोषणा के रशिया में से 19,948 गोटे के मृत्यु भेल है तो दैनिक संक्रमित के संख्या से बढ़ रहा है। यूरोपीय देश सब खासकर बेलायत फ्रांस स्पेन आ इटली में कोरोना वायरस संक्रमण के दोसर लहर शुरू भेल आकलन करत सार्वजनिक जनजीवन में बहुतों किस्म के प्रतिबंध सब के घोषणा कैल जा रहल छ। ओमान 1 अक्टूबर अर्थात आसिन 15 गते से नेपाली सहित विदेशी आप्रवासी कामदार के प्रवेश में अनुमति देत। ओमान के कोरोना संबंधी सर्वोच्च समिति के 22 सितंबर के निर्णय अनुसार अगला 1 अक्टूबर से लागू होब जका नेपाल लगायत विदेश से ओमान घूर सकबाक ओमान स्थित नेपाली दूतावास जनौलक है। दूतावास के अनुसार ओमान घूर चाह वाला कामदार सब साबिक में लेव वाला परराष्ट्र मंत्रालय से जारी होब वाला अप्रूवल लेटर नहीं लेब पड़त। 6 महीना से बेसी अवधि ओमान बाहर रह वाला सब के हक में कंपनी घूर के अनुमति देने कागजात नो ऑब्जेक्शन लेटर लक मात्र ओमान प्रवेश कर पेबाक दूतावास जनौलक है। ओमान सरकार आ विभिन्न समय में विदा में नेपाल गेल तथा कोरोना के कारण प्रतिबंध लगौलाक बाद रुक कर रहल नेपाली कामदार सब ओमान घूर पायत। एखन ओमान से वीसा समाप्त भेल आ विभिन्न कारण से रोजगारी गुमौने नेपाली सब चार्टर्ड उड़ान मार्फत स्वदेश घूर रहल छथि। ओमान से 1,004 गोटे नेपाली स्वदेश घूरल से दूतावास जनौलक है। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर।
बृहस्पति दिन देश भर 1497 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 17 गोटे के मृत्यु। प्रहरी उपरीक्षक सहित 8 गोटे के कार्यवाही करबाक सिफारिश कयल गेल। संपत्ति विवरण नहीं बुझा वाला कर्मचारी ऊपर अख्तियार चलात मुद्दा। सरकार किट उपलब्ध नहीं करौला के कारण से बीपी प्रतिष्ठान में पीसीआर परीक्षण भेल बंद। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन बारे प्रधानमंत्री ओली आ नेकपा अध्यक्ष प्रचंड बीच भेल 3 घंटा विमर्श। हफ्ता में 2 दिन सार्वजनिक विदा देबाक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लॉ जाओल जा रहल। कृषि मंत्रालय में सचिव काफले के हाजिरी कर अवरोध, छोट समय में सचिव बदल के परिपाटी गलत रहल मंत्री शाह के कहब। प्रदेश 2 में बृहस्पति दिन 43 गोटे नया संक्रमित थपायल। डॉक्टर केसी के पक्ष में वीरगंज के चिकित्सक सब हाथ में कारी पट्टी बांध के काज कर रहल। आ दक्षिण उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरियाली नागरिक के गोली दाग हत्या। बेस्ता एक संग एखनुक जनक नंदनी समाचार एत ही समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहे छी। सुनित रही जनक नंदनी एफएम 95.5 MHz आ देखित रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार।